तो दोस्तों ये है मेरे पास खाली डीवीडी, आप देख लीजिए। अभी मुझे मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रकार का, जैसे कोई भी डेटा है या सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फोटोशॉप अगर आप यूज़ करते हो, या कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो है, ये MS Office है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके कंप्यूटर में रखे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि कभी मेरा जो कुछ भी कंप्यूटर में हो सकता है, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, तो मेरा जो सारा डेटा है वो करप्ट हो सकता है। तो अभी इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है, आप इसको DVD में रख सकते हो, कॉपी करके। जो भी सॉफ्टवेयर है मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ हमेशा के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे काम आ सके। तो इसके लिए मैं यूज़ ले रहा हूँ नेरो सॉफ्टवेयर को। तो नेरो सॉफ्टवेयर की मदद से मैं इसमें वो वाला डेटा इसमें कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और अगर आपके भी कोई फेवरेट है, सॉफ्टवेयर है, सॉन्ग है, कोई मूवी है, वीडियो है, ट्यूटोरियल है, कुछ भी है, अगर आपके कोई फेवरेट है और अगर आप DVD बना के रखना चाहते हो उनको, क्योंकि आपको पता है कि अगर कंप्यूटर में रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। हमारा विंडो जो सॉफ्टवेयर विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम DVD बना के रख लेते हैं, DVD में राइट करके रख लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि हमारे जो वीडियो या सॉन्ग कुछ भी है तो हम उनको DVD कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास खाली DVD होगी तो अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, ये रही मेरी DVD। अब मैं क्या करता हूँ कि नैरो सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ये रहा मेरे पास सॉफ्टवेयर, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने नैरो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको तो यहाँ पर लिखा है मेक डेटा DVD, ये जो फर्स्ट वाला है ना ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर लिखा है एड डेटा टू यूर डिस्क, तो हमको यहाँ पर जो एड लिखा है ना प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इस पर क्लिक करके हमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या हमको ऐड करना है, क्या क्या DVD में डालना है। तो मेरे पास चार पांच मेरे वीडियो हैं, ट्यूटोरियल हैं, तो मैं उनको ऐड कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड पे, और हमको बताना पड़ेगा कहाँ पर हैं, तो उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए मैंने चार वीडियो यहाँ से ऐड कर लिए हैं, आपके सामने हैं। और ऐड होने के बाद अभी आप पर और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना ही करके बता देता हूँ ताकि फटाक से हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गो टू नेक्स्ट, तो मैंने किया नेक्स्ट। और यहाँ से हमको अपना DVD बताना पड़ेगा कि मेरा DVD इसमें है, और DVD सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं कि अपनी DVD का क्या नाम रखना है। तो मैं कर देता हूँ माय वीडियो, और यहाँ से बर्न पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं बर्न पे क्लिक करूँगा तो प्रोसेस चालू हो जाएगी, तो मैं करता हूँ बर्न। तो देखिए प्रोसेस चालू है, हमारे जो चार वीडियो हैं वो DVD में स्टार्ट है, राइट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी फटा थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये 99% हो गया है, बस 100 होने ही वाला है। तो ये देखिए 100% हो भी गया है, और शायद सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा अभी आपके सामने। थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया है, वर्न प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुल, मतलब जो हमारे चारों को चारों वीडियो थे वो खाली DVD में आ चुके हैं, अब मैं इसको कभी भी यूज ले सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, ओके। तो देखिए मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ DVD में कि वीडियो आए हैं कि नहीं आए। तो मैं जाता हूँ अपने, ये ऑटोमेटिक वीडियो कैसेट प्ले हो चुकी है। तो देखिए ये रही मेरी DVD,
मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके बता देता हूँ 362 MB। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। तो देखिए आपको बता देता हूँ, मैं ये रहे मेरे 4 वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे वीडियो थे चारों के चार, वो मेरी कैसेट में आ चुके हैं, जो ब्लैंक DVD थी ना उसमें आ चुके हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये मेरी देखिए DVD और ये चारों के चारों आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसा इधर है वैसा भी इधर है। तो अभी मैं इनको कभी भी यूज में ले सकता हूँ। तो अभी आपको ये वाला प्ले करके ही बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। तो आप इस प्रकार से अपने सॉफ्टवेयर, वीडियो या ऑडियो कुछ भी DVD में बर्न कर सकते हैं और रख सकते हैं हमेशा के लिए सेव करके। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।